हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जो भी पेनिया भाई के रिटेलर है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पैसा और कभी भी पैसा फंस सकता है जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो है कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपसे इस काम से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। साथ में जो भी आपका कस्टमर है वो भी आपसे खुश रहेगा और उसको भी यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। तो क्या है, क्या करना पड़ेगा, मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहिए, और साथ में अगर वीडियो पसंद आता है और जो भी आपके आसपास रिटेलर हैं जो पेनी बाई चलाते हैं उनके साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होता है जब आप पेनी बाई चलाते हैं। तो दोस्तों, जब आप पेनी बाई को चलाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि कभी आपका पैसा फंस जाता है। जब आप कस्टमर का पैसा निकालते हैं तो उस टाइम उनका पैसा फंस जाता है, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है, या बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको जो कि है ये वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है, खुद भी करना है। अगर आप अपना मोबाइल नंबर जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस टाइम अगर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो ये ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डालते हैं तो आप अपने कस्टमर के मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करवा दीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, कस्टमर को भी पता लग जाएगा कि उसके उसके अकाउंट से कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, वो उसको भी शो करेगा। साथ में जो पेनी बाई चलाता है उसको पता ही होता है, और जब भी ट्रांजेक्शन फेल्ड होगा तो यहाँ पे उसको शो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ट्रांजेक्शन फेल्ड हो चुका है। अगर विड्रॉल हो जाएगा तो वो उसको यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ पासबुक पे, पासबुक पे आ जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे जब भी मैं निकाला हूँ या फिर मनी ट्रांसफ़र भी किया हूँ इस नंबर से, जिस नंबर से मैंने इस अकाउंट को बनाया है, यही नंबर मैं पेनिया बाई के जब भी विड्रॉल होता है, मनी ट्रांसफ़र होता है, तो उसी में ये नंबर भी मैं देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब भी आधार विड्रॉल यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, आधार विड्रॉल 100 रुपया। यहाँ पे आपको तारीख भी शो करेगा और आपने किस दुकान से किया है वो दुकान भी यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद मैंने मनी ट्रांसफ़र करवाया था 1100 का, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा दुकान यहाँ पे शो कर रहा है। ये दुकान का जो कि है उस बंदे ने नाम रखा है तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने मनी ट्रांसफ़र किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम नेम यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने 1200 का किया था और यहाँ फिर से मनी ट्रांसफ़र है। तो जिस भी आप दुकान से करेंगे उस दुकान का नाम आ जाएगा, और जितना भी आप आधार विड्रॉल किए होंगे वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो इससे यही फ़ायदा है कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है कस्टमर का वो उनको शो करेगा, वो यहाँ से देख भी सकते हैं। साथ में यहाँ पे और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि कस्टमर भी अपना ट्रांजेक्शन देख सकता है कि उसका आधार विड्रॉल हुआ है या नहीं, और कितना हुआ है वो भी यहाँ पर देख सकता है। क्योंकि कभी कभी कोई लोग फ्रॉड भी करते हैं, 1100 की जगह 1110-20 ऐसे भी निकालते हैं, तो वो भी यहाँ पे शो करेगा, तो वो आसानी से यहाँ पे देख सकता है। उसके बाद अगर मोबाइल रिचार्ज की बात आए तो वो मोबाइल रिचार्ज भी कर सकता है। ये सिस्टम मुझे इसमें का बहुत ही अच्छा लगा है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है मोबाइल रिचार्ज का साथ ही QR सर्विस जो है ये बहुत ही अच्छा सर्विस है, इसके बारे में मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सर्विस मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मैं आपको यही रेफ़र करूंगा कि जो भी आपके डेली कस्टमर हैं उनके मोबाइल में इस ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें। और अगर आप उनका मोबाइल नंबर डालते हैं तो सही है, अगर नहीं डालते हैं तो अब से डालना चालू कर दें उनका मोबाइल नंबर। और उनके पास ये एक एप्लीकेशन 10 MB से भी कम का है, तो इसको डाउनलोड करने से उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस ऐप को आप डाउनलोड करवा दीजिएगा। उसके बाद आप चाहें तो कस्टमर का एक ATM कार्ड भी बना सकते हैं, वो भी वर्चुअल, जिससे वो ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकता है। तो यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन है, तो आपको जब भी आप पेनी बाई ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको शॉपिंग कार्ड का ऑप्शन शो करता है, शॉपिंग कार्ड कस्टमर।
तो वहाँ से आप इसमें लिमिट भी देख सकते हैं कि मिनी केवाईसी रहेगा तो 10,000 का ही कार्ड लिमिट है, लेकिन जब इस यहाँ पे फुल केवाईसी हो जाता है तो यहाँ पे उसको 5 लाख का जो कि ये लिमिट मिल जाता है, और 5 लाख का ट्रांजेक्शन वो सिर्फ ऑनलाइन कर सकता है। तो यहाँ पे एक वर्चुअल उसको कार्ड मिल जाएगा, एटीएम कार्ड, जिससे वो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेगा, तो ये भी एक फ़ायदा है। साथ में वो अपने आसपास के दुकान को भी देख लेगा, जहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं नियर बाई का ऑप्शन है, अगर यहाँ पे क्लिक करता है तो उसके आसपास में जो भी दुकानें होंगी पेनी बाई चलाते हैं, तो वो दुकानें भी उसको शो कर जाएगी, तो वो उस दुकानों से भी विड्रॉल करवा सकता है। और भी इसमें बस इतना ही है। सबसे अच्छा यहाँ पे सिस्टम है कि वो अपना पासबुक देख सकता है, जो भी विड्रॉल होगा, ट्रांजेक्शन होगा, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कस्टमर को, जिससे पता लग जाएगा कि उसका पैसा जो कि विड्रॉल सक्सेसफुल हो चुका है या फेल्ड हो चुका है, बिल पेमेंट होगा, रिचार्ज होगा, सब कुछ वो यहाँ पे देख सकता है। यहाँ पे देखिए मोबाइल रिचार्ज का भी हमको शो कर रहा है, अगर इस नंबर से मोबाइल रिचार्ज भी होगा तो वो भी शो करेगा, बिल पेमेंट, आपका बचत खाता भी खुला होगा वो भी शो करेगा, मनी ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे देख सकते हैं, आधार विड्रॉल जितनी बार हुआ है सबका यहाँ पे रिकॉर्ड है। और ऐसा होता है कि जब आप पेनी बाई एप्लीकेशन से करते हैं तो वहाँ पे आपको हिस्ट्री या रिपोर्ट शो नहीं करता है बहुत दिनों का, लेकिन आप देख सकते हैं मैं 2020 का आपको दिखा रहा हूँ, दिसंबर 2020 उसका ट्रांजेक्शन कस्टमर यहाँ पे देख सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि वो अपना पुराना ट्रांजेक्शन भी यहाँ से देख सकता है कि उसने कब और किस दुकान से कितना ट्रांजेक्शन किया है, वो सब यहाँ पे देख सकता है। तो इतना रिपोर्ट अगर वो आपसे मांगता है, अपने दुकानदार से मांगता है, तो उनके पास इतना रिपोर्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर देते हैं उसके फ़ोन में तो वो पूरा रिपोर्ट यहाँ पे देख सकता है। तो यही है वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने कस्टमर को ये वाली ऐप को ज़रूर डाउनलोड करवाएं।